नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चोगामा की आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित डीएवी कॉलेज में चल रही 67वीं प्रदेशीय शैक्षिक बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता के तीसरे दिन खिलाड़ियों के द्वारा अपना दमखम दिखाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कॉलेज के प्राचार्य का कार्यक्रम आयोजकों के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा पहलवानों के हाथ मिलवाकर कुश्ती का प्रारंभ किया गया, जिसमें पहलवानों के द्वारा अपने दमखम को दिखाते हुए एक दूसरे पहलवान को पटकी दी गई। नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता सिंह, प्रधानाचार्य एसडी कन्या इंटर कॉलेज झांसी गिरानी से। जो हमारे यहाँ 67वीं कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है उसकी संयोजिका हूँ। इसके संयोजक सुनील शर्मा सर हैं, जो डीएवी के प्रधानाचार्य हैं। हमारे यहाँ ये कुश्ती का तीसरा दिन है, कल समापन है। इसका शुभारम्भ संजीव बाल्यान जी ने किया और इसके समापन पे हमारे माननीय कपिल देव जी आएंगे और विभिन्न जगह से, विभिन्न स्थानों से जो नामी पहलवान हैं वो आ रहे हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। बच्चों के रहने खाने सब की उचित व्यवस्था है, सभी लोग व्यवस्था से बहुत खुश हैं। पूरा जनपद हर्ष से भरा हुआ है कि उनके यहाँ पर इतने जनपदों से, पूरे प्रदेश से बालक बालिकाएँ आई हुई हैं और सभी अच्छे ढंग से रह रहे हैं और अच्छे ढंग से प्रतियोगिता हो रही है। आप सबका धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। ये मुजफ्फरनगर के लिए सौभाग्य की बात है। 67वां स्टेट प्रतियोगिता कबड्डी की, कुश्ती की हमारे यहाँ हो रही है डीएवी इंटर कॉलेज में, और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि आपको स्टेट कराने का प्रदेश ने मौका दिया है। और लगभग 18 मंडलों की टीम प्लस 2 स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पे आए हैं और अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, प्रदर्शन में काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। उद्घाटन तो संजीव बाल्यान के द्वारा किया गया था, फिलहाल कपिल देव अग्रवाल शायद इनकी क्लोजिंग में करेंगे, उनकी उपलब्धता पर डिपेंड करेगा कि वो कर पाएंगे।